यार ले चलो इसको। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ फिल्मिंग की सुविधा आपको मिले उसके लिए सरकार जागरूक है और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, आप विश्वास कीजिए। साथियों, भारतीय सिनेमा को और सशक्त करने के लिए, देश में सकारात्मकता के लिए एक व्यापक विमर्श तैयार करने के लिए सरकार पूरी शक्ति से आपके साथ है। मुझसे कुछ साथियों ने कुछ समय पहले जीएसटी को लेकर के चिंता जताई थी, यही राजभवन में मुझे मिले थे, तो उनका मेन यही चिंता थी कि साहब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन देखने वाला ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। और कलाकार जब ये काम करता है, बॉक्स ऑफिस देखने वाला एक वर्ग होगा जिसने पैसे डाले हैं, लेकिन बाकी जो क्रिएटिव नेचर का है वो चाहता है भाई जनता के दिलों में इसकी बात क्या हुई, उसके दिमाग में तो वही रहता है कितने लोगों ने देखा, क्या अनुभव किया उसका, क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड जो है उसकी तो उसको रुपये पैसे से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने जीएसटी काउंसिल से सारा बात बताई, उनको कहा कि भाई देखिए ये मेरे पास विषय आया है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है, लेकिन देश में ऐसा माना जाता है सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तैयारी है, कोई तो चाहिए जिस डिब्बे में सब डाला जा सके, वरना सफाई कैसे होगी। और मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने इस चिंता को दूर किया है, अब 100 रुपये के ऊपर के टिकटों पर लगने वाली जीएसटी को 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। साथियों, एक विषय मेरे सामने आया है और वो है पायरेसी का। मैं समझता हूं कि पायरेसी को लेकर के आप सभी की चिंता बहुत स्वाभाविक है। पायरेसी आपके श्रम और आपके सामर्थ्य का अपमान है और इसे रोकने के लिए सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में बदलाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। हम जिस संशोधन की दिशा में जा रहे हैं उस संशोधन के बाद कैमकॉर्डिंग को जो सिर्फ पनिशेबल ऑफेंस की नहीं बनाया जाएगा बल्कि इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने करीब 1400 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया है और आप हैरान होंगे जब मैं 2013-14 में चुनाव प्रचार करता था, जब मेरी पार्टी ने बता दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था। आमतौर पर सरकारों की पहचान क्या होती है, हर सरकार इस बात को लेकर के बाजार में जाती है, लोगों के पास जाती है, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, क्या हुआ वो बात की बात है, वो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमने ये बनाया। तब मैंने कहा था कि कानून बनाने वाली सरकारों को देखा है, मैं एक ऐसी सरकार लेकर आना चाहता हूँ जो कानूनों को खत्म कर रहे हैं, और मैंने ये कहा था मैं पर डे कानून खत्म करूँगा, ऐसा मैंने कहा था। और आपको शायद आपको अब तक ये बातें पहुँची नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी बातें होती है जो देश में उसका बड़ा महत्व नहीं होता है। अब तक 1400 कानून खत्म किए हैं जी, 4-4.5 साल के कार्यकाल में 1400 कानून खत्म किए हैं ताकि प्रक्रियाएं सरल हो, सरकार के साथ नागरिक को रोजाना जद्दोजहद करनी पड़े, ये समझ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप में से जो इस पूरे क्षेत्र की चिंता करते हैं, देखिए अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, आज आप मोबाइल फोन पर दुनिया का कोई भी रेडियो सुन सकते हो, लेकिन फिर भी सरकार का कानून है कि रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब मिसमैच है, खैर मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है और कानून हमारे 1952 के हैं, क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस विषय पर गौर से सोचे कि भाई ये कौन से कानून है जो आज के युग में बिल्कुल इरेलीवेंट है, बेकार है, लेकिन वो लटके पड़े हैं जी, कोई उपयोग नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट से बात करके
एक एक शब्द पढ़ करके अगर कोई डिटेल नोट बना करके मुझे देते हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं और कुछ कानूनों को ख़त्म करूं जो आपके लिए रुकावट बने पड़े हैं और बदले हुए युग के अनुकूल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई इसको इनिशिएट ले करें, क्योंकि देश के लिए एक एक प्रकार से, और मेरी ये कोशिश है कि आपको सरकार के एक और फैसले के विषय में भी बताना चाहता हूँ। एनिमेशन अभी थोड़ा बहुत हमारे राजवर्धन जी ने उल्लेख किया था, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट में हमारे युवाओं की प्रतिभा का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। देखिए, दुनिया में जैसे मेक इन इंडिया एक महत्व है, वैसे डिजाइन इन इंडिया इसका भी एक महत्व है। हमारे पास जो क्रिएटिव टैलेंट हैं वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक सशक्त करने के लिए एक सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, उसकी भी स्थापना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे मैं तो ये चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री मिलकर भविष्य में, और ये विचार मैं आग्रह से आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या समय की मांग नहीं है कि दुनिया में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, जो इतना बड़ा क्रिएटिव वर्ल्ड है, पूरा विश्व की तुलना में बहुत बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दिशा में काम करते करते सीख जाएं। घर में पहले कोई गाड़ी साफ करने के लिए रखते हैं, बाद में वो ड्राइवर बन जाता है, अब उसमें कितने साल जाते हैं। आज देश में मुझे लगता है आवश्यकता है कि एक कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, उसके लिए एक अलग यूनिवर्सिटी हो। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस विषय को लेकर के आगे आते हैं और एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो इसी काम के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें क्रिएटिविटी को स्कोप हो, जिसमें दुनिया के चलते प्रवाहों की दुनिया में हम कैसे, उसमें फाइनेंस वर्ल्ड की भी विषय हो, अगर उस प्रकार से कोई प्रपोजल लेकर के, और मैं चाहूँगा कि ये सब सरकार करे तो पता है साहब सरकार क्या करेगी। तो प्रधानमंत्री मैसेज आया कि मेरी फिल्म बनाओ, तो मुझे वो नहीं कर रहा है। देश के सामान्य मानवी के लिए जो काम आए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हम विकसित करें। अगर आप उस प्रकार की बात देंगे, सरकार पूरी तरफ से सहयोग करेगी, पूरा सहयोग करेगी, लेकिन देश को इस दिशा में हमने कुछ न कुछ चला। साथियों, आपसे ऐसी एक चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण सुझाव कुछ मित्रों की तरफ से आया था और मुझे वो सुझाव अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि हमने अपने आप को ये मुंबई या दुनिया से बाहर लाना है जी, ये बहुत जरूरी है। और ये सुझाव मेरे पास ये आया था कि जैसे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट होती है, क्या वैसे ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समिट क्या हम देश में हर बार दो साल के बाद कर सकते हैं क्या? लगातार आप लोगों के अभी जो फेस्टिवल होते हैं उसका मुख्य आधार क्रिएटिविटी होता है, बिजनेस को मुख्य आधार बनाकर, नए मार्केट को मुख्य आधार बनाकर के ग्लोबल फिल्म समिट हो, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उसमें अलग अलग सेमिनार हो, फाइनेंस इस दुनिया में किस प्रकार से नए तरीके हो सकते हैं उसकी चर्चा हो, यानी अपने आप में हमारा सिर्फ कलाकार तक सीमित नहीं, एक पूरी जिसके अंदर लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसका ग्लोबल एक्सपोजर हो, दुनिया को हमारी इंडस्ट्री से एक्सपोजर मिले, दावोस लाइक एक समिट। तो मैंने उस समय कहा था कि शुरुआत हम ऐसी करें कि पहले एक दो साल भारत की ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो फिल्म व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में हैं, उनकी एक समिट से शुरू करें और फिर हम उसको ग्लोबल समिट बनाएं। और दावोस से कम जरा भी नहीं, मैं कुछ लोगों का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे मेरा एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जब जन्मा हूं तब से कि मुझे छोटा दिमाग में बैठता ही नहीं है, और इसलिए एक वैश्विक ताकत के रूप में उभरने का एक तरीका है जी,
दुनिया के सामने हमारे लोग आकर के खड़े होंगे, बात करेंगे, चर्चाएं होगी, विश्व को समझना होगा। हाँ, ये जो 50-60-100 साल की यात्रा है बेकार नहीं गई है जी, बहुत बड़ा काम देश का हो सकता है। साथियों, अक्सर जब फिल्म जगत की बात आती है तो उसका एक ही पहलू को ध्यान में आता है, ग्लैमर, चमक दमक, चकाचौंध, यही इसी के आसपास है। लेकिन मैं मानता हूं कि फिल्म जगत में ग्लैमर और चकाचौंध से भी आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है, आशाएं, अपेक्षाएं, दर्द है, पीड़ा है, बहुत कुछ है जी। आज मैं जब म्यूजियम देख रहा था, कितनी कठिनाइयों से उस जमाने में फिल्म बनी होगी, हमें तो इस विषय का कोई ज्ञान नहीं था। देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे काम होता था, इतनी मेहनत लगती थी, इतने घंटों तक खड़े खड़े काम करना पड़ता था। दुनिया को तो सिर्फ कलाकार दिखता है, बाकी चीजें पता नहीं होती है। मैं समझता हूं कि समय की मांग है, और मैं मानता हूं कि ये जो हमारे देश में सब कुछ घूम फिर करके पॉलिटिकल लीडर के आसपास आ जाता है ना, उसने देश का बहुत नुकसान किया है। आवश्यकता से अधिक उनको स्पेस मिल गई है, उनके जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, उसमें मुझे इनकार नहीं है, लेकिन रास्ता बनेगा तो उनके नाम पर, चौराहा बनेगा तो उनके नाम पर, बिल्डिंग बनेगा तो उनके नाम पर, यही चलता है जी। मैं मानता हूं आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं, चाहे टेक्निकल साइड पे हो, क्रिएटिव साइड पे हो, कला के क्षेत्र में हो, परफॉर्म करने वाले लोग हो, आप स्वयं एक इंस्टीट्यूशन है, और आपने अपने जीवन को इस स्थिति में रखने के लिए, कलाकार होगा, हमें अच्छा लगता है जब देखते हैं जितेंद्र जी को कि वाह बॉडी मेंटेन किया है, लेकिन मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत की होगी तब किया होगा भाई। लेकिन ये सामान्य मानवी को पता नहीं है। मैं समझता हूं कि क्या जो संघर्ष करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, आप संकोच मत कीजिए, आप अपने साथियों के साथ इन चीजों को शेयर करते हुए, आज जब सोशल मीडिया की इतनी रीच है, बताइए आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई, कितनी कठिनाइयों से हुई, कितना संघर्ष किया आपने, कैसी मुसीबतों से दिन निकाला, कितने घंटे काम करते थे, कभी हिमालय के बर्फीली जगह पे जाना है और शूटिंग करना है, शरीर मदद नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, हंसना है तो हंसना पड़ता है, ये सारी चीजें। वरना क्या होता है, हमारी नई पीढ़ी गुमराह हो रही है, उसको एक चकाचौंध दिखती है, उसके पीछे जो तपस्या है, जो परिश्रम है, त्याग है, बलिदान है, उसे पता नहीं चलता है। मैं चाहूंगा कि आप कुछ न कुछ बातें ऐसी लगातार, अब सोशल मीडिया की रीच है जी, पहुंचे कि उनको पता चलेगा भाई एक व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे नहीं पहुंचा है जी, और वो उसको भी जिंदगी में कुछ करने की प्रेरणा बनेगी। आप अपने आप को कम मत आंकिए जी, आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपसे प्रभावित है, लेकिन वो आपसे प्रेरित भी हो सकता है अगर आपके जीवन की सच्चाइयों से वो परिचित हो जाएगा। और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कठिनतम समय से गुजरना न पड़ा हो, और वही है जो दुनिया को ताकत देता है। और इसलिए मैं आज आपसे ये भी एक चाहता हूं कि आप जब ये हमारे देश की युवा पीढ़ी आपकी तरफ देखती है तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आई है। जन्म से कोई अच्छा चेहरा मिल गया इसलिए मैं यहां नहीं पहुंचा हुई, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चीजें नए लोगों के सामने कैसे है, और मेरा मानना है कि लाइफ बिल्डिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग में इस तरह के कन्वर्सेशन से युवाओं को बहुत लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इससे जुड़े अपने अनुभवों को युवाओं से अवश्य शेयर करेंगे। इसी तरह मेरा ये भी आग्रह होगा कि जैसे ये म्यूजियम बना है, वैसे ही अलग अलग कालखंडों, टाइम पीरियड में भारतीय सिनेमा की ताकत क्या रही है उस पर भी काम किया जाए, उसे भी संग्रहित किया जाए। जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले 25 साल कैसे रहे होंगे, तब फिल्म बनाने में किस तरह का संघर्ष होता था, अब उसमें क्या बदलाव आया है, इसे लेकर एक 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 विभाग उसका बनाया जा सकता है, तो लोगों को
इस प्रकार की हिस्ट्री के साथ जीने का अवसर मिल सकता है। अब आज जब 21वीं सदी में फिल्में बनाने का तरीका, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल दिया है, तो उन पुरानी बातों के बारे में जानकारी को संजो के रखना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही इस बारे में भी विचार की आवश्यकता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे आने वाली पीढ़ी में विज्ञान, इनोवेशन, इसके प्रति उसका रुझान बढ़े। आपने देखा होगा दुनिया में साइंस को बेस बनाकर के फिल्मों का एक सिलसिला चला। भारत में उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारी युवा पीढ़ी को, छोटे बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। साइंटिफिक टेंपर बनाने के लिए इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे, आप लोग बायोपिक तो बनाते ही हैं, अलग अलग सेक्टर में लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस, इनोवेशन, एनवायरनमेंट ये ऐसे विषय हैं जिस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने एक बदलाव किया है पद्म पुरस्कारों को लेकर के। बीते 4 वर्षों में हमने खोज कर देश के ऐसे अनसंग हीरो निकाले हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी पहचान के मानवता की सेवा में लगे थे। उस राज्य के भी किसी अखबार ने उनके लिए 2 लाइन नहीं लिखी थी। हमने खोजा, पूरे देश में से खोजा, और मैं लगातार ये काम करता रहता हूँ, और ऐसे लोगों को हमने पद्मश्री दिए। अजूबा है जी, कोई पर्यावरण से जुड़ा हुआ काम कर रहा था तो कोई गरीबों को मुफ्त में दवा इलाज करा रहा था, कोई स्कूल चला रहा था, यानी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी छोटा सा कमाया है उसके लिए वो खपा देता था। ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और मैं ऐसे लोगों को बहुत महान मानता हूं। उनको जितना सम्मान दे उतना कम है, लेकिन क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान उनके तरफ गया है क्या? आप देखिए, किसी की जिंदगी में नजर कीजिए। जब आप बायोपिक बना रहे थे, इसमें भी ऐसे केस स्टडी मिलेंगे जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। आपकी कहानियों के लिए, आपके सिनेमा के लिए दूर सुदूर जंगल में पड़ा हुआ एक इंसान भी देश के लिए कारण बन सकता है जी। अगर दशरथ मांझी जैसी कथाएं कितनी ताकत रखती है जी, कितनी ताकत रखती है। साथियों, एक बात है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। 1857 का स्वतंत्र संग्राम, हम पता नहीं हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन 1857 के स्वतंत्र संग्राम की ओर जिसने देखा होगा, हमारे देश के आदिवासियों ने जिस प्रकार से जंग किया था अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ, 1857 का स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व एक प्रकार से इस देश के आदिवासियों ने किया था, और हर आदिवासी इलाके में उसकी कथाएं हैं। एक साथ 100-100, 200-200 लोगों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था, और आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन देश के लिए त्याग बलिदान करने वाले इन महानुभावों की कथाएं, जलियांवाला बाग हमें ध्यान है, लेकिन हर जगह पर ऐसी कथाएं पड़ी है। एक मिशन से सरकार एक काम कर रही है इन दिनों, मैंने तय किया है कि जिन राज्यों में इस प्रकार के आदिवासी समाज की घटनाएं हैं, उनका 1857 के स्वतंत्र संग्राम में उनके योगदान को खोज करके एक म्यूजियम बनाना। अलग अलग राज्यों में उस प्रकार के म्यूजियम बनाने के काम चल रहे हैं, उन पुरानी घटनाओं को खोजा जा रहा है। आपके पास क्रिएटिव टैलेंट है, क्या देश की इतनी बड़ी त्याग बलिदान सेवा करने वाले लोग, लड़ाई लड़ने वाले लोग, सरकार जो म्यूजियम बना रही है उसमें आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपके टैलेंट का? आप वर्चुअल म्यूजियम मानो बनाना है, आपके पास महारत है, रिसर्च करने में बाकी चीज़ों में सरकार आपकी मदद करेगी, और मुझे लगता है कि हम इसको कर सकते हैं। एनिमेशन फिल्म के जरिए या किसी वर्चुअल प्रेजेंटेशन के जरिए हम हमारी नई पीढ़ी को इसके लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। और देश में ये जो नक्सल के नाम पर जो दुनिया चलाने वाले लोग हैं, हम अगर उससे बड़ी चीज बताएंगे देश के लिए आपके पूर्वजों ने ये दिया, तो मैं नहीं मानता हूं कि आज हमारे ही देश में स्कूल को उड़ा देने के जो पराक्रम करने वाले लोग हैं वो सही रास्ते पर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं, आएंगे, वे भी सही रास्ते पर आएंगे,
और इसी तरह एक और बात है, मैं चाहूंगा कि जो थिएटर की दुनिया है, आप में से बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी का पूर्वाश्रम कहीं ना कहीं थिएटर रहा है। देखिए, थिएटर भारत की सशक्त परंपरा रही है, शाकुंतल से लेकर के आज तक हमारे यहां शास्त्रों में उसका बहुत बड़ा स्थान रहा है और दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। और मैं नहीं मानता हूं हमने थिएटर और फिल्म को अलग करना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके उसकी हिस्ट्री भी, उस बातों को भी देश और दुनिया में लाने का हम काम कर सकते हैं, तो इस कला जगत की बहुत बड़ी सेवा होगी, आने वाली पीढ़ी को लिए लाभकर्ता होगा। और हमारे देश में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग भाषाओं में इसके अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। और मैं समझता हूं कि थिएटर और फिल्मों का बहुत अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इस दिशा में आप कुछ कर सके तो थिएटर को भी एक नई ताकत मिलेगी और नई टैलेंट के लिए नया अवसर मिलेगा। साथियों, लोकतंत्र में कोई भी सरकार अगर ये सोचे कि सारे काम वही अकेले कर सकती हैं, तो मैं समझता हूं वो सरकार आपको भी मूर्ख बना रही है और वो भी गलत कर रही है। सरकार को सबके विकास के लिए सबका साथ भी चाहिए। जन भागीदारी बढ़ाने में, देश के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाने में, देश को जागरूक करने में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के योगदान की सराहना मैं करता हूं, मैं इस योगदान को नमन करता हूं और ये देश की बहुत बड़ी सेवा की है, उसका आज आपके बीच आकर के गौरव का गान करना मेरे लिए भी एक धन्य पल है। इस कार्य के लिए मुझे आने का अवसर मिला, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आप वो लोग हैं जिनको सलाह देने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि सलाह भी तो फ्रीडम के खिलाफ है ऐसे माना जाता है, लेकिन फिर भी मैंने शायद कुछ अधिक आपसे कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन आइए हम सब मिलकर के देश के लिए और इस देश को दुनिया के लिए कुछ करने के लिए तैयार करें, ताकत के साथ आगे बढ़े। ये क्षेत्र मैं सामान्य नहीं मानता हूँ, भारत की ये असामान्य पूंजी है। 100 साल की आपकी तपस्या का परिणाम है, दुनिया को भी आप पर हक है, हमारा भी जिम्मा है कि दुनिया को इससे परिचित कराएं, दुनिया को प्रभावित करें और दुनिया को प्रेरित करके हम भारत का झंडा गाड़ने में आगे आएं। इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।